मुंबई लोकल ट्रेन में यात्रियों ने एक व्यक्ति को ट्रेन में चढ़ने से रोका तो इस शख्स ने दो लोगों की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी सुरेश शंकर गौड़ लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में चढ़ गया था, जिसके वजह से कुछ यात्रियों ने उसके साथ गलत व्यवहार किया, उसे ड्रग्स एडिक्ट कहा, लिहाजा उसे भाई खल्ला स्टेशन पर उतरना पड़ा। गुस्से में होने की वजह से सुरेश ने फुटपाथ पर सो रहे दो लोगों की हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई एनसीबी ने एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स 4 करोड़ की जब्त हीरोइन के कंसाइनमेंट के मामले में गुजरात के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस शख्स ने एनसीबी ने लंबी पूछताछ की है, इसके बाद इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे में दिवाली की रात पटाखों की वजह से आग लगने की कम से कम 12 घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि इनमें किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, ये जानकारी नगर निकाय ने शुक्रवार को दी है। वही संपत्ति विवाद के चलते बेटे ने अपने ही बुजुर्ग पिता की हत्या कर दी है। हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया था। घटना यूपी के गोंडा जिले के अहिरन डीहा की है। मृतक की पहचान हीरालाल यादव के रूप में हुई है। हीरालाल यादव के बेटे राम सुरेश यादव जमीनी विवाद की वजह से अपने पिता को मार डाला और थाना अध्यक्ष धानेपुर शेष मणि तिवारी ने बताया कि आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। गोंडा जिले के खोड़ारे क्षेत्र में लापता संदीप उर्फ सचिन पुत्र विनोद कुमार का शव गन्ने के खेत में मिला है, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने तत्काल टीम गठित करवाई और जांच पड़ताल के बाद राम सहाय नाम के एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार आरोपी से इस हत्या के मामले की आगे पूछताछ जारी है।